नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेपाइस डेली टारगेट, डेली आंसर राइटिंग की क्लास। ओके, ठीक है, आ गए सभी लोग। ओके, आवाज अगर सब सही है, बढ़िया, शुरू करें। तो आपको दो सवाल दिया गया था, एक सवाल था जीएस वन का वोल्केनिज्म पर और दूसरा सवाल था, देखो क्वेश्चन नंबर वन था जीएस वन से वोल्केनिज्म पर। ध्यान सुनना, जो वोल्केनिज्म है, जो अर्थक्वेक है ना, वो पढ़ना है आपको जीएस वन के लिए। यहाँ पर आप तैयारी कहाँ से करेंगे? जो वोल्केनिज्म है इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे क्लास इलेवेंथ की जो फिजिकल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी उससे, और जो आपका अर्थक्वेक है वो भी आप वहीं से करेंगे। इसके साथ साथ एक काम करना, जो जीएस वन का मेंस का टेस्ट पेपर्स होते हैं ना अलग अलग कोचिंग के, उसको लेकर के एक बार आंसर का जो पूरा प्रैक्टिस है ना वो कर लेना, ठीक है। तो जीएस वन का जो मेंस का टेस्ट सीरीज आता है, जीएस वन के लिए पेपर जो होते हैं टेस्ट पेपर, उसको बस कर लेना। तुम्हारा पूरा जो टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, सोसाइटी का, कल्चर का, तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा था जो जीएस टू है उससे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को हम लोग। पहला हमारा सवाल है, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट। देखो, जो वोल्केनिक इरप्शन है 2021 में हुए वो कौन कौन से हैं उनको बताइए। चुपचाप अपने आंसर में लिखिए कि कौन कौन से वोल्केनिक इरप्शन 2021 में हुए थे। यूपीएससी इस तरह के रैंडम सवाल जनरली नहीं पूछता, समझ रहे बात, कि 2021 में अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आया था, 2021 में कौन कौन से हीरोइन की शादी हुई थी, ये सब सवाल जनरल नहीं पूछता। हो सकता है कि कुछ ज्वाइंट का असर हो, तो ऐसे सवाल नहीं पूछता जनरली। पूछ दिया आप क्या कहें, ठीक है। तो उसको हमें मेंशन करना है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट, आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है वोल्केनिज्म का, ये बताना है आपको। 10 मार्क्स का सवाल है, आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड में, ठीक है, है ना। चलो और कुछ, बढ़िया। क्यूट सर्वया, सीमा, रवनीश, अदिति, कुमकुम, अनब्रेकेबल फेथ, गौरी, संदीप, बीबी, शुक्ला, मुकेश, कुमकुम, ठीक है। ये क्यूट एस्पिरेंट कौन है जी? चल हाँ, तो यही बताना है आपको कि कहाँ कहाँ पर ऐसा इस तरह का जो ज्वालामुखी है वो फटा था, जहाँ पर केला दौड़ रहा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को और देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या ना, कि आप अपने इंट्रो में डिफाइन वोल्केनिज्म, जो वोल्केनिज्म उसको डिफाइन कर दीजिए। बॉडी में क्या करेंगे, जो वोल्केनिक इंसिडेंट्स हैं वोल्केनिक इरप्शंस है ना, वो कौन कौन से हुए हैं 2021 में वो बताना है आपको, और इंपैक्ट ऑन लोकल इन्वायरमेंट ये बताना है आपको, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, लावा और गैस ये रिलीज होता है एक वोल्केनो से, ठीक है ना। अगर वोल्केनो से रिलीज हो रहा है मतलब वो क्या है, वो एक्टिव वोल्केनो है। उसका जो आसपास के एनवायरमेंट है उस पर काफी सिग्नल जो बैठे हुए पड़ता है। हाल में कौन कौन से हुए थे, होंगा टोंगा हाँ, तो होंगा टोंगा नाम है, अब क्या करें। यहाँ पर हुआ था दिसंबर 2021 में, ताल वोल्केनो
2021 में हुआ था, ये मनीला में है, ठीक है ना। फिर नियारेंगोगो, यहां पर भी हुआ था, ये कहाँ है, ये कॉन्गो में है। आइसलैंड में भी वोल्केनिक इरप्शन है जो हुआ था 2021 में। इट फिल्ड द वैली विथ डार्क ब्लैक लावा, कई मंथ तक भरा रहा, उसके बाद जो इरप्शन है वो धीरे धीरे कम हुआ। ला पाल्मा, ये वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ये भी 2021 में ही हुआ था, ठीक है, कैनरी में। तो ये जो आपके पांच वोल्केनिक इरप्शन हैं, पांच क्या, वो तीन चार भी लिख देते वहां पर तो बहुत होता, तीन चार क्या, तीन भी होता तो भी बहुत होता याद, अगर वहां पर होता तो, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं याद आए ना सर, ये एग्जाम हॉल में ये तो याद नहीं आएगा हमको कि कहाँ कहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब सर नहीं याद आएगा तो क्या हम नहीं लिखेंगे, हमको ही बताइए। अगर इस क्वेश्चन में हमको किसी भी वोल्केनिक इरप्शन का याद नहीं आएगा तो क्या हम नहीं लिखेंगे, क्या हम सवाल छोड़ करके आएंगे। यूपीएससी ने ज्वाइंट फूंक रखा था, मगर तब भी वो होश में था, वो जानता था कि कुछ शानदार बच्चे एग्जाम लिखने आते हैं, समझ गए बात। यहां पर मैं जो ट्रिक है वो बता रहा हूं। तुम ये बताओ, पूरी दुनिया में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हर साल भूकंप आता है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हर साल भूकंप आता है, कुछ आदमी ऐसा है जो हर समय बदमाशी करता है। तो अगर कोई आदमी, अगर एग्जामिनर सवाल पूछे कि 2021 में किसने किसने बदमाशी करी, तो उसका नाम तो बिना सोचे हम लिख देंगे, हमको पता है कि वो बदमाशी करता ही रहता है तो किया ही होगा। ऐसे ही सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, यहां पर भूकंप आता ही रहता है, 2021 में भी आया होगा है कि नहीं, क्या समझे। बिल्कुल लिखिए ना, था क्या, समझ गए कैसे मेंस पास किया जाता है, समझ में आया। चल, तो आपने जो इंस्टेंसेस है ना उसका आपने जिक्र कर दिया, अब लोकल एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये बताना है आपको। तो ये इंपैक्ट पॉजिटिव भी पड़ेगा, ये इंपैक्ट नेगेटिव भी पड़ेगा। नेगेटिव इंपैक्ट में क्या-क्या लिखेंगे सर, जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, यहां पर लिखेंगे आप कि आसपास के एरिया में लावा भर जाता है, इसके साथ साथ टॉक्सिक गैसेस एंड एशेस, ठीक है, इसके साथ साथ आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर इन्वायरमेंट को क्षति होती है, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो तुम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख दोगे, 3 पॉइंट तुमने यहां पर लिख दिया कि क्या क्या नेगेटिव है। इसके बाद तुम आओगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट कौन कौन से हैं, वहां पर ये बताना कि जो वोल्केनिक लाइटनिंग है ना वो होती है, क्या होता है, वोल्केनिक लाइटनिंग होती है, जो इनकमिंग रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, इससे लोकल एरिया में एक जो कूलिंग इफेक्ट है ना वो आता है, क्या होता है, लोकल एरिया में कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ऊपर से सूर्य का जो धूप है वो तो उतना पहुंच नहीं पा रहा, तो जो सूर्य का जो गर्मी है ना वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, समझे बात। दूसरी बात, चूंकि इसके राख में काफी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं तो सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्लियर बात है। CO2, फ्लोरीन गैस, ये सब इकट्ठा होता है आपके वोल्केनिक ऐश में और आपके रीजनल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो ये नेगेटिव वाले में लिख दोगे, ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये आपका लोकलाइज्ड कूलिंग इफेक्ट, ये न्यूट्रल कह सकते, ठीक है ना, जो विजिबिलिटी है वो आपका नेगेटिव वाले में आ जाएगा, ठीक है, जो अर्थक्वेक है उसको स्टिमुलेट करता है ये भी आपका नेगेटिव वाले में आ जाएगा, समझ रहे बात। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, दोनों को लिखना है आपको।
बढ़िया ठीक है सर, मैंने पॉजिटिव में कुछ लिखा ही नहीं बताओ पेसिमिस्ट ठीक है चलो, जो चीज़ें हैं उसको अब हम लोग रिव्यू करते हैं। रुकना ज़रा। ठीक है, कुछ नए आंसर को मैंने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। ओके चलो, जो चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग। ये तो GS2 का है। ये तुम्हारा ही है ना जी, यही तो तुम लिखे हो इसको। ठीक है, अवोल्केनिक इरप्शन इज वेन लावा एंड गैस आर रिलीज फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनो ऑफन एक्सप्लोसिवली। वोल्केनो हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रीजनल इन्वायरमेंट एज कैन बी सीन फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग वोल्केनोज इन 2021। यहाँ पर करना क्या है ना, यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक जो बक्सा है पहले आपको वो बना देना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर बक्सा बना देना है और अपना जो हेडिंग है ना वो फिर लिखना है। दूसरी बात, ताल वोल्केनो नियर मनीला फिलीपींस, नियाग्रा वोल्केनो इरप्शन दिस ईयर इन डेमोक्रेटिक कॉन्गो। ओके, तुमने मैप बनाने का कोशिश किया है, बढ़िया है। मैप में तुमने जहाँ पर बनाना चाहिए तुमने वही नहीं दिखाया। जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ तो हर साले होता रहता है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखाया तुमने ये वाला बेल्ट? क्या ठीक है, तो यहां पर जो आपका मैप था आपने मैप यहां पर फिर क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, आइसलैंड ला पाल्मा ये हो गया आपका। फिर आपने लिखा है इंपैक्ट ऑन लोकल इन्वायरमेंट, प्लूम्स ऑफ वोल्केनिक ऐश कैन स्प्रेड। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन आर ऑफन एकम्पनीड विथ इवेंट ऑफ वोल्केनिक लाइटनिंग। ठीक है, इसके साथ साथ चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, ये बातें हो गई। ठीक है, थोड़ा चेंज करो आंसर में, चीजें कुछ नया डालो। हाँ ये देखते हैं, वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन द टू टेक्टोनिक प्लेट मूव अपार्ट ब्रिंगिंग द लावा इन द मो क्या है मेंटल अपवर्ड। ओके बढ़िया है, तुमने कैसे बता दिया कैसे इरप्शन होता है। सम ऑफ द ग्लोबल ऑकरेंस इन वोल्केनिक इरप्शन एट ला पाल्मा स्पेनिश आइलैंड, वोल्केनिक इरप्शन एट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बढ़िया शानदार, माउंट एटना इरप्शन। इसको देख के लगता है कि चलो तुमने पढ़ा है मगर लिखा अपने मन से है, छापा नहीं है आंसर। ठीक है बढ़िया, इंपैक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन ऑन द एनवायरनमेंट, स्प्रू ऑफ डेंजरस गैसेस। डिवाइड करो इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, गैसेस सच एज CO2 SO2 एशेस। अब लगेंगे पढ़े लिखे वाले का, एसिड रेन, वेरियस डिजीजेस एटसेट्रा। गिव राइज टू अनदर मेजर डिजास्टर सच एज लैंडस्लाइड, मडस्लाइड। प्रॉब्लम सच एज पावर शॉर्ट, पावर आउटेजेस, वाइल्ड फायर, इटीसी आकर, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ स्पेशली दोज रिसाइडिंग नियर बाय और कम्यूटिंग नियर बाय। स्पाइडरमैन बन गए, चश्मा धुंधला दिखता है। हैम्पर्स द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द रीजन इन टर्न हैम्परिंग द फ्रेश सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, वोल्केनोज आर नेचुरल फिनोमिना बट स्टेप्स कैन बी टेकन टू अवॉइड डिजास्टर। एंड क्या क्या बात कर रहे हैं कौन सा स्टेप लोगे वोल्केनो को रोकने के लिए? तो चमत्कारी आदमी हो यार तुम तो किसका आंसर है ये? आयुष श्रीवास्तव बताइए जरा। अ वोल्केनो इज वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली फ्रॉम अ मैग्मा चेंबर बिलो द सरफेस। ठीक है, दे आर सिवियरली फाउंड वेयर, क्या है, जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्ज और कन्वर्ज, एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिज, रिंग ऑफ फायर। बढ़िया ठीक है, ला पाल्मा पेओर्ट, उल्विन, कराकाटू, ग्रेट क्या है ये, ग्रेट सिल्क,
पता नहीं क्या लिखा है। चलो इम्पैक्ट क्या है, ये यही मैं कह रहा था यार, देखो कितना शानदार लिखा है इसने आकाश ने, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे ही लिखना है आपको, जितने डायमेंशन तुम कवर कर सकते हो उतने डायमेंशन तुम कवर करो, नंबर मिलेगा तुमको बढ़िया से। वोल्केनिक इरप्शन आर नेचुरल फिनोमिना, वी कांट अवॉइड इट कम्प्लीटली बट वी कैन रिड्यूस इट नेगेटिव इम्पैक्ट बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स एंड बाय दिस मेजर्स वी कैन, क्या बात कर रहे हैं, वी कैन रिड्यूस इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है शानदार, यही तो मैं कह रहा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट करना है ना, तुमने क्या लिखा था अवॉइड सच डिजास्टर, ये नहीं लिखना है होने को कौन टाल सकता है। ठीक है चलो, इसका वर्डिंग कम से कम ठीक है आकाश का, बाबू थोड़ा सा जो राइटिंग ठीक करो और कोई बात नहीं है, कंटेंट तुम्हारा ठीक रहता है। ये टाइप राइटर से लिखे हो क्या जी, स्केल खींच के मार्जिन कहाँ है तुम्हारा, तुम क्लास में नहीं आते इसका मतलब। जलमुखी विस्फोट, सर आधा मार्जिन दिए हैं ना सर, GS2 का आंसर है ये। जलमुखी विस्फोट, सक्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट से हैं लावा राख धुएं पर है। ठीक है, टोंगा मनीला आइसलैंड, स्थानीय तापमान में वृद्धि, सूर्यीकरण हैं, लोकल टेम्परेचर में कमी आता है मैडम, क्यों आता है कमी, क्योंकि ऊपर में धुआं और राख वगैरह फैला रहता है तो सूर्य का जो पूरा रोशनी है ना वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर से। तुम लिखे तो हो विकिरणों का बाधित होना, तो तब अच्छा वहां का तापमान बेहद बढ़ जाता है जैसे पर्यावरण, ठीक है मतलब कि जो लोकल लावा वगैरह है ना उससे तापमान बढ़ जाता है, कह रहे ठीक है। पोल्यूशन, अस्पष्टता, ग्लेशियर पिघलना, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स वेन मोल्टेन लावा एंड गैस कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कम्स आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मेंटल, समटाइम इट इज डिस्ट्रक्टिव एंड समटाइम इफ्यूसिव, तो इफ्यूसिव है तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइसलैंड, ला पाल्मा, हुंगा टोंगा, ओके। इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पे, स्काई ऑफ द कलर, स्काई कलर चेंजेस, शेकिंग ऑफ अर्थ है, हैपन, एशेज, ठीक है। पीपल हैव टू लीव द एरिया वेयर वोल्केनो इरप्ट, पॉइजनस गैस स्प्रेड एवरीवेयर एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मोल्टेन लावा डिस्ट्रॉय एरिया, लेक एंड हाउसेज, इट ऑल्सो हार्म मेनी मरीन लाइफ इफ इट इज एक्सप्लोर्ड अंडर द वाटर और ऑन एन आइलैंड, बहुत शानदार, ओके ठीक है। देखो इसने लिखा है, एमएस ने लिखा है इसको डिवाइड करके, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, शानदार ऐसे लिखना है आंसर। ठीक है, देखो इसने भी लिखा है, किसका है जी, सोनी शाह का आंसर है, इसने क्या लिखा है पॉजिटिव इंपैक्ट और इसने लिखा है नेगेटिव इंपैक्ट, ऐसे तुम्हारा कंक्लूजन गायब है, ठीक करो कंक्लूजन इसका। कौन सा आंसर लिख रहा था, डीएनए फिंगरिंग का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अच्छा ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है वाला मेंस के लिए। चलो फिर जो अगला सवाल है ना वो देखते हैं यार, अगला हमारा सवाल है GS2 का, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव का जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसको इंश्योर करने में कहां तक सक्षम रहा है, कहां तक सफल रहा है, तो जो पार्लियामेंट की जो एबिलिटी है ना इसको बताइए दोनों पक्षों में, पॉजिटिव भी बताइएगा और नेगेटिव भी बताइएगा, मतलब कहां तक सफल रहा है कहां तक सफल नहीं रहा है। ठीक है, ये बातें आपको बतानी है, ओके। बढ़िया सर, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइट मेंस आंसर, आई विल शेयर माय आंसर इन फ्यू डेज, ठीक है ओके। हम्म
ओके चलो, तो करना क्या है, इसके इंट्रो में पहले आपको बताना है कि पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी देने का, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने का काम, इंट्रो आर्टिकल मेंशन करना है आपको कि पार्लियामेंट को कैसे दिया गया है काम एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने का। आपको पता है ना कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पोस्ट पर तभी तक रहता है जब तक उसके पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस रहता है, तभी तक रहता है ना बाबू, जब तक उस पावन का कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है सरकार गिर जाती है। क्लियर बात? तो आप करेंगे क्या, यहां पर शुरुआत करेंगे उससे कि जो संविधान है ना ये देता है पावर हमारे पार्लियामेंट को कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखो, उसको अकाउंटेबल बनाए रखो। क्लियर बात है? अब क्या क्या मैकेनिज्म है ये लिख देना है, और ये आपको इंट्रो में ही लिखना है, और आपको इतना लंबा नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर पूछा नहीं है इतना। ठीक है, सीधा पूछ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक सफल रहा है, तो ये मेरे आंसर का पार्ट होना भी नहीं चाहिए था। मगर करना क्या है ना कि आपके इंट्रो में कुछ कुछ पॉइंट लिख देना है बस, कि ये सब टूल्स हैं जिसके जरिए हमारा पार्लियामेंट अकाउंटेबल करता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, आपने वो टूल्स लिख दिए, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, एजेंडमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जनरल डिस्कशन, बजटरी कंट्रोल, फिर आपके जो वोटिंग होता है, पीएससी होता है, इनको लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे ये जो मैकेनिज्म है ना, इसको लिखने के बाद बताएंगे कि वो कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट सफल नहीं हो पाया है। पार्लियामेंट अनेबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कैसे सर? कई बार एग्जीक्यूटिव ने डिबेट से बाईपास कर लिया है, डिस्कशन नहीं होने दिया है, उन्होंने मनी बिल का रूट ले लिया। इससे क्या हो गया सर? लोकसभा से बिल पास कर दिया, राज्यसभा को बिल अमेंड करने का पावर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है ना, राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट इट्स रिकमेंडेशंस, इट्स अमेंडमेंट, अमेंड नहीं कर सकता उसमें, बस वो चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, उसको मानना ना मानना लोकसभा का मतलब वो है, प्रोगेटिव है। अब उसके बाद कई सारे बिल को वॉइस वोट से पास कर दिया गया, वोटों की काउंटिंग ही नहीं कराई गई, कई सारे जो ऑर्डिनेंसेज है पास करके पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया। इसके साथ साथ बहुत ही कम बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, जो प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन आवर की भी काफ़ी कम रही। ठीक है ना, डिसिप्लिन का अभाव है, लोग बीच में के चलाने लग जाते हैं पार्लियामेंट में, तो पूरा जो डिस्कशन है इफेक्टिव नहीं हो पाता। क्लियर बात है? तो आप बताएंगे कि इन कारणों से उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाया है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंट बनाने में। इसके साथ आप देखो, इसमें चार पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट ये लिखना कि एग्जीक्यूटिव ही है जो तय करता है एजेंडा, एजेंडा ऑफ द सेशन। अब साला जिसको अकाउंटेबल ठहराना है, जिसको पकड़ के बैठाना है, वही तय करेगा कि सेशन में कौन सा काम होगा। एग्जीक्यूटिव ही है जो बुलाता है सेशन, एग्जीक्यूटिव ही शेड्यूल तय करता है कि कब से कब तक होगा हमारा सेशन, बताइए जरा। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है बाबू, यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मुझे कंट्रोल किया जाएगा और मुझे ही तय करने के लिए कहा जाएगा। हाँ, क्या किया जाएगा, मुझे ही तय करने के लिए कहा जाएगा कि संसद कब मिलेगा, क्या काम होगा इसका। तो हम चाहेंगे कि संसद बढ़िया से काम करे, नहीं चाहेंगे, क्यों चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। तो इसको सर इंप्रूव कैसे किया जाए, एक 15 पॉइंट का रिफॉर्म चार्टर हो, वो होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि जो पार्लियामेंट का फंक्शनिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ जो सभी बिल है ना वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये नहीं कि जो बिल मन रहा गवर्नमेंट को वही वाला बिल जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सारा का सारा बिल जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिवली स्क्रूटनाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है इसको एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा कि वो बिल को स्टडी कर सकें,
उसके बाद डिस्कशन शुरू हो ताकि वो अपना जो अमेंडमेंट है ना बढ़िया से वो दे सके कि हाँ इस बिल में ये खराबी है। और वॉइस वोट जब होता है, अगर कोई भी मेंबर, ऐसे रूल है भी, कोई भी मेंबर अगर ऑब्जेक्ट कर देना तो वहां पर वोटों की गिनती होनी चाहिए फिर, ठीक है। चलो तो ये बातें हो गई। आपका जो आंसर है वो हम देखते हैं यहां पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस एग्जीक्यूटिव इज अ, अच्छा एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, मोर स्पेसिफिक टू लोकसभा। बढ़िया बढ़िया इंट्रो है। टूल्स बाय विच पार्लियामेंट, बक्सा बनाओ यहां पे, इसको बॉक्स में डालो, दिखेगा ना कि तुमने डायमेंशन कवर किया है। टूल्स बाय विच, थोड़ा बड़ा लिखो इसको, बाय विच पार्लियामेंट एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, शानदार बजटरी है वाला, पार्लियामेंट्री कमेटी, परमानेंट में हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर आपका हो गया कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, शानदार, एडहॉक में हो गया आपका डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ओके। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री डिबेट, जैसे कि चार डिस्कशन होता है, जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फर्मेशन मोशन, और बाकी तो कौन कौन सा भी तो लिखो, नो कॉन्फर्मेशन और सेंसर मोशन हो गया। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ क्राइटेरिया, क्या है इन द एबव क्राइटेरिया, इन एबव क्राइटेरिया क्या होता है, पार्लियामेंट स्टिल एबल टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। थोड़ा ठीक से स्कैन करो ना। फॉलोइंग पॉइंट विल क्लियरिफाई दैट इन मेनी एस्पेक्ट द अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग एज पार्टी पॉलिटिक्स, नाउ इट इज पोलिटिकल पार्टी आर कंप्रोमाइजिंग ऑन, क्या है ये, पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक डोमेन, ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टिकट टू फेवर देयर एमपीज, वीक अपोजिशन। हाँ ये भी एक बड़ा कारण है ना कि हमारे यहाँ पोजिशन ही कमजोर है, इसी कारण से देखो जितना स्ट्रांग अपोजिशन रहेगा उतना ज्यादा कंट्रोल रहेगा एग्जीक्यूटिव पर, क्योंकि वो उतने अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाएगा। हमारे यहाँ अपोजिशन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, समस्या ये बात हो जा रही है। प्लस एंटी डिफेक्शन एक्ट, उसका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तुमने उसका मेंशन नहीं किया है, उसका मेंशन करो यहाँ पर कि एंटी डिफेक्शन एक्ट के कारण जो पार्टी है पावर में उसके एमपी अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, अपनी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लैक ऑफ प्रोएक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लीड टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, जैसे गुलटाइन, ये जो जेनरिक सेंटेंस है ना, ठीक है ना, सम एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लीड टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का। सीधे तुम यहां पर आओ, गुलटाइन मेजर फेवर ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू रूलिंग पार्टी, इस तरह से लिखो ना। और ऐसे नहीं कि फेवर ऑफ, एलिज्ड, इल्जाम लगाया जाता है ना, तुमने उसको प्रूव करते कि फेवर करते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। अलेज्ड फेवर ऑफ अ स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू रूलिंग पार्टी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेजर टू प्री स्पेंडिंग मनी, क्या है, कैन गॉट इट व्हेन, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है, ठीक करना पड़ेगा, लैंग्वेज ठीक करो इसका आंसर का, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह। रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो हैव पोस्ट स्पेंडिंग पावर, ठीक है। Hence, we can say executive accountability has been diluted day by day. There is need to, इससे तुम इसको वेफर्ट दे देते कि हाउ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, एक वेफर्ट देते आप, ज्यादा अच्छा लगता। चलो तुम्हारा आंसर देख लिए, अच्छा देख लेते हैं इसको भी। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वेयर एज एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तुम्हें टूल्स लिख दिया है, आर्टिकल 75, 226 कमीशन किया है, शानदार, ओके। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट अनेबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल 123 मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, शानदार, 110 राज्यसभा बाईपास कर दिया, ओके। आधार बिल, मनी बिल, शानदार एग्जांपल। यूज ऑफ वॉइस वोट मैकेनिज्म, रिमूवल ऑफ क्वेश्चन आवर, इन्वेंटरी सेशन इन पैंडमिक, पासिंग बिल इन रश एंड वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विदाउट, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन, वेरी लेस नंबर ऑफ बिल्स ट्रांसफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी, वेरी लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ 17 लोकसभा। लास्ट पॉइंट उतना रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट है तुम्हारे पास तो उसको लिख दो। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर पोजिशन बाई प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइम टू डिबेट, इस तरह से लिखो ना, कभी कभी बहुत गंदा लिखता है आंसर ये, आज ठीक लिख रहा है तो थोड़ा सा हम फ्लो में पढ़ दे रहे हैं, बाकी लोग ऐसे लिखिए अपने वर्ड्स कि मुझे पढ़ने में समस्या ना हो, अगर मुझे पढ़ने में ही समस्या हो जाएगा तो तुम्हारा हम क्या चेक करेंगे, समझ बात। तो पहले देखो कि तुम्हारा आंसर पढ़ने लायक हो, ठीक है। हम्म,
प्रश्नकाल व शून्यकाल, तरंकित अर्थतरंकित, मौखिक प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, संसदीय समितियां, सीएजी रिपोर्ट, तूने मेन तो लिखा ही नहीं वो वाला। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, कहाँ है वो सब? मेन तुमने नहीं दिया यहाँ पर। अरे जॉब देखने समर्थता कम होना, ठीक है, 50% ही बिलों का समय तक भेजा गया था, गिलोटिन की प्रक्रिया राज्यसभा में, ठीक है, अध्यादेशों का प्रयोग करके संधि में बचाव, स्थगन प्रस्ताव सत्रों का कम होना, ध्वनिमत का प्रयोग किया जाना, इस प्रकार संधि व्यवस्था में कार्यपालिका का जवाबदेह के लिए प्रधान तो है किंतु उसके प्राधिकरण में कुछ खामियां हैं जिन्हें उपयुक्त सुधार सुधार सकता है। ठीक है, क्या है, कहाँ है तुम्हारा सुझाव? उपयुक्त सुझाव कहाँ है? अंडरलाइन करके लिखे सुझाव, सुझाव कहाँ है तुम्हारे? गायब कर दे तुमने वाला पेज, है ना? ठीक है, चलो अगला देखते हैं यहाँ पे। संसदीय विशेष अधिकार, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, विधेयक पर विशेष चर्चा, स्वीकृति, ठीक है, वित्तीय नियंत्रण। अरे बाबू, तो तुमने सब टूल्स लिखा है ना, सफल कहाँ हुआ, असफल कहाँ हुआ, तुमने ये कहाँ लिखा है आंसर में, उसको लिखो। ठीक है, वेरियस प्रोसीजर लाइक क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड फॉर चेक एंड एग्जीक्यूटिव, डिबेट एंड डिस्कशन आर हेल्ड ऑन एनी मैटर ऑफ पॉलिसी, प्रोविजन ऑफ वोटिंग बाय पार्लियामेंटेरियन, अब्सेंशन फ्रॉम वोटिंग इज ऑल्सो अ मेजर टू अवॉइड वोटिंग विच मीन्स नाइदर इन, ठीक है, बजटरी कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंटरी कमिटीज, ओके, सेंसर मोशन, कट मोशन, ओके, फिर फेलियर कहाँ कहाँ हुआ, अवॉइडिंग द डिबेट एंड डिस्कशन इन मेनी केसेज, यूज ऑफ मेनी केसेज, एग्जाम्पल दीजिए मैडम, ऐसे नहीं कि मेनी केसेज ऐसा करा, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल दीजिए मोटा मोटा एकदम, यूज ऑफ वॉइस वोट एज इन केस ऑफ रिसेंट फार्म लॉ, हाँ तुमने एग्जाम्पल दिया, यह एग्जाम्पल कहाँ गया जी, फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेज, कौन सा ऑर्डिनेंस बताइए जरा, ऑर्डिनेंस कौन सा, ब्रैकेट में बताइए कौन सा ऑर्डिनेंस पास हुआ था, पासिंग ऑफ द लॉ विदाउट, करंट अफेयर का इस्तेमाल यही होना है ना, करंट अफेयर जो पढ़ते हो आप मंथली मैगजीन द हिंदू एक्सप्रेस वगैरह, उसका इस्तेमाल यहीं पर होना है, जो आपके पास एग्जाम्पल हैं वो यहीं पर सब आने हैं कि कौन सा बिल पास हुआ था ऑर्डिनेंस, कौन सा आपका वॉइस वोट के थ्रू पास हुआ था, कौन से वाले में डिबेट नहीं हो पाया था, सब एग्जाम्पल दिखना है यहाँ पे, तभी आपके जो पॉइंट उसको मिला क्रेडिबिलिटी, आपका आर्ग्यूमेंट को क्रेडिबिलिटी मिलेगा कैसे, एग्जाम्पल से, ठीक है ना, ठीक करो उसको, क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ठीक है, बजटरी कंट्रोल, तुमने मेन तो लिखा ही नहीं यार, तुमने प्रोसेस लिखा है, तुम ध्यान सुनो, प्रोसेस पूछा भी नहीं है उतना, और तुमने पूरा पन्ना भर दिया प्रोसेस पर, ठीक है, यहां तुमने सेकंड पार्ट मेंशन है, तुम ये बताओ तुम्हारे दो पेज के आंसर में तुम्हारा पहला पार्ट कहाँ आंसर हुआ है, सेकंड पार्ट कहाँ आंसर हुआ, तुम्हें पता चल रहा है, पहला पार्ट तुम्हारा यहाँ आंसर हुआ, तुमने यहाँ पर दोनों यहाँ तुमने बक्सा नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ तुमने बक्सा नहीं बनाया, वो तो हम देख लिए ना, एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर है ना उसको उतना टाइम नहीं रहता है वहाँ पे कि तुम्हारा ढूंढे कि कहाँ तुम्हारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाएगा टिक मार के, ढीठ है कुछ लोग, कितनों बोल दो समझ में नहीं आता इनको कि बक्सा बनाइए बक्सा बनाइए, ठीक है, कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग पॉलिसी एंड लॉ टू पार्लियामेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ ऑल्दो इट इज चेक्ड एंड बैलेंस्ड बाय अदर ऑर्गन, ओके, रोल क्या क्या है, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ, जी बस, शानदार, देखो ऐसे लिखना है, कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन आवर को, जीरो आवर को, और कैसे आपके अकाउंटेबल बनाया गया एग्जीक्यूटिव को, ऐसे लिखना है एग्जाम्पल को, इस तरह से देख लो आंख से अपने, कट मोशन ड्यूरिंग बजट सेशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75, एडजर्नमेंट मोशन, डिबेट, डिस्कशन इन पार्लियामेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन, शानदार, यहां पर बहुत ही कम वर्ड का यूज किया गया और पॉइंट यहां पर लिखे गए बढ़िया तरीके से, ऐसे ही लिखना है आंसर आपको, समझ गए सब, चलो भांग खा के बैठा है, इन रियलिटी क्वेश्चन आवर द कैजुअलिटी ऑफ द
casualty of the disruption. Very few questions are emitted by the speaker. In recent time, question hour is suspended due to COVID-19. Anti-defection law. एक ने लिखा है anti-defection law. साले किसी ने नहीं लिखा था. Ruling party dominate the parliament. Only one adjournment motion in 16 Lok Sabha. Only few handful of bills referred to committee for scrutiny. 97% budget in India is guillotine. Farm law were passed after very less discussion. Ordinance route concern over money bill are in introduction as money bill such as Aadhaar bill. Hence, we should ensure that minimum disruption in the parliament and should follow the protocol that bill should be present. Okay. Much more advanced. Okay. ठीक है. मतलब कि तुम्हें टाइम दिया जाना चाहिए अपोजिशन को डिस्कस कर सकें उसको. समझ गए ना. चलो ये बातें हो गई. और भी बढ़िया जवाब लिखिए, थोड़ा सा लोगों से सीखिए. मैंने देखा कई बार कि आप में से अधिकांश लोगों के जो जवाब हैं जो थे वैसे ही बने हैं, कोई खास अंतर नहीं आया. मगर बहुत लोगों के जवाब इम्प्रूव हो गए. बहुत लोग ऐसे मैंने देखा कि आसमान में एक अंतर आ गया. पहले एकदम गोबर था, अभी काफ़ी अच्छा आंसर हो गया है उनका. तो जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे उनका आएगा, जो नहीं लाएंगे तो जो है वही रह जाएगा चीज़ें. ठीक है, कुछ और पूछना है आपको तो बताइएगा. क्यूट एस्पिरेंट. ओके ठीक है. लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से एग्जाम पर सस्पेंशन मिले महाराष्ट्र, लिख सकते थे. ओके गिव मी सजेशन हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग. गुंडला विजयलक्ष्मी तुम डेली क्लास में आती हो, अब तक समझ नहीं आया कैसे कैसे लिखना है आंसर. आंसर लिखिए ना, चेक करेंगे उसको. ठीक है. कैन एवरी स्टूडेंट क्रैक आईएएस एग्जाम? यस शुभम, ही कैन. अब देखो एवरेज टॉपर एकदम फुल्लू वाला, पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा. सबसे मेन चीज ये है. कोई अपना कॉलेज का टॉपर है वो नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं हो जाएगा. समझ रहे हो. कई बार जो जिसका सेकंड डिवीजन है ग्रेजुएशन में वो भी पढ़ लेता है, बढ़िया से पास हो जाता है एग्जाम आईएएस का. ठीक है ना, और प्रॉपर आईएएस बनता है बढ़िया रैंक से, अंडर 100 रैंक आता है उसका. तो चले पढ़ोगे तब आएगा ना. सर आप कॉमेडी करते हैं बहुत. ओके अब तुम सोचो, बीबी आर्शिया के पहले क्यूट एस्पिरेंट का कमेंट है, अगर मैं दोनों का पहला पहला नाम पढ़ूं तो क्यूट बीबी हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे कि अनब्रेकेबल फेथ है, उसके नीचे कमेंट है रबनीश का, पहला पहला उठाओ अनब्रेकेबल रबनीश. चलो ओके. मीनाक्षी, वेंकटेश गुड इवनिंग, मुकेश ओके. चलो फिर हो गया बात पूरा. देखो ध्यान से हाँ 31 देखो 31 जनवरी तक आपका जो आंसर राइटिंग का जो सेशन है ना वो चलेगा. 1 फेब से हम लोग जो MCQs वाला सेशन है वो शुरू करेंगे. टाइमिंग रहेगा रात को 9 बजे ही. ठीक है, और आंसर राइटिंग वाला प्रीलिम्स के बाद हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे. तो अभी जितना लिखना है 31 तक उतना तक लिख लो. ठीक है, फिर देखते हैं कि बीच में से वो कर सकते हैं या नहीं. हो सकता है कि हम लोग संडे को जो आंसर राइटिंग का सेशन है वो हम रखें, चाहे देख लेंगे. 30 तक तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, 30 तक चलेगा कम से कम. ठीक है, 1 फेब का शुरू जाएगा MCQ. पास होना ना प्रीलिम्स. हाँ ये भी आपको मैं ही लूंगा क्लास, कोई दिक्कत बात नहीं है. चलो फिर मिलते हैं. ओके ठीक है. वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद.